Very good morning. In your previous lecture, we already started your new topic, that was correct usage of pronouns, right? अब correct usage of pronouns पढ़ा था हम लोगों ने. उसमें A, B, C, D मैंने four groups दिए थे आप लोगों, right? उसमें first and second group इसलिए use होता है, वो हम लोगों ने study किया था, right? Now we are going to deal with C group, मतलब third part, ठीक है? Third one, two, three, so उसमें से third वाला अब हम part अब हम study करेंगे group three के लिए. तो क्या लिखा है? The pronouns in group C are only used in affirmative. जो group C में है वो सिर्फ और सिर्फ affirmative में use होगा. किसमें होगा? Affirmative में, ना कि interrogative में और negative sentences में. Understood? So क्या कहा है? The pronouns in group C are only used in affirmative and not in interrogative or negative. अब ग्रुप सी में क्या क्या था? कम ऑन, नोबडी, नथिंग, नो वन और नन. ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए लिखा है. वन सेकेंड, क्या कहा गया यहाँ पे? द प्रोनाउंस इन ग्रुप सी आर ओनली यूज इन अफर्मेटिव. जो भी प्रोनाउंस इन ग्रुप सी में वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होता है, ना कि इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंसेस में. एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ग्रुप सी जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या था? नोबडी, नथिंग, नो वन और नन, राइट? अब इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूं. एग्जाम्पल फर्स्ट, आई फाउंड नथिंग इन द बॉक्स. आई फाउंड नथिंग इन द बॉक्स. अब सेकेंड एग्जाम्पल देती हूं मैं. आई सॉ नो वन ऑन द गेट. आई सॉ नो वन ऑन द गेट. अब देखो क्या कहा गया है? द प्रोनाउंस इन ग्रुप सी आर ओनली यूज इन अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव, राइट, एंड नॉट इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. Sentences.
whereas if I am asking कि group D में क्या क्या आता है, तो क्या आता है group D में? Yes, everybody, everything और last आप लिखोगे everyone. Am I clear? कौन सा है और ये कौन सा है? ग्रुप डी मैंने यहाँ पे लिखा आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए. ऑलरेडी मैंने जो ब्लॉक था पूरा एबीसीडी का कॉलम आप लोगों को दे दिया था. राइट नाउ सी द प्रोनाउंस इन ग्रुप डी कैन बी यूज इन द अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. यानी जो भी ग्रुप डी में आता है, ठीक है, जो भी प्रोनाउंस ग्रुप डी में आते हैं वो हम किस किस में यूज कर सकते हैं? नेगेटिव में कर सकते हैं, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा लिखती हूँ. ओके, और किस में कर सकते हैं? यस अफर्मेटिव में. मतलब ये तीनों सेंटेंसेस में आप ग्रुप डी के प्रोनाउंस यूज कर सकते हो. ओके, एंड ग्रुप डी में कौन से कौन से प्रोनाउंस थे? एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन. या आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्लियर? कौन से हैं? एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, क्लियर? ओके, इसके एग्जांपल अब मैं देती हूं आपको. एग्जांपल फर्स्ट, आई मेट एवरीबॉडी इन द मीटिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डिडंट मीट एवरीबॉडी in the meeting. Third, did the doctor do everything? Did the doctor do everything? Example, I meet everybody in the meeting. I didn't meet everybody in the meeting.
singular form. Okay. So write. Note that all the pronouns. Note that all these pronouns are used in the singular and they take verb in singular form. Okay, or you can write in the singular. In the singular. Understood? Now see, once again I am repeating this, we have exercise start going. Note that all these pronouns are used in the singular and they take verb in the singular. Clear? Next. Exercise. In the table, Now, table तो मैंने आपको दिया है group A, B, C, D. Okay? I don't think it's again needed to write here. Okay? So इसमें very first, I ask everybody Sorry, yeah, I guess.
he knows no one. No one means nobody. Nobody. No one. Clear? Now see, I asked everybody to help me, but no one helped me. He has anyone seen my dog? You see, I have a little baby papas. Next, does he know anybody? No, he doesn't know anyone. He knows no one. Understood? Once again, I asked everybody to help me, but no one helped me. Has anyone seen my dog? Does he know anybody? No, he doesn't know anyone. He knows no one. Now, can blank tell me, can blank tell me where Shivaji was born? Where Shivaji was born? What are you searching for? Question mark. Have you lost? Have you lost? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग को आ सकते हैं. अंडरस्टूड? सेंटेंस मिस करके भी, मतलब यहाँ शिवाजी के उसके चेहरे पे कुछ और या कोई और सेंटेंस भी आ सकते हैं, बट यू शुड नो प्रॉपरली कि आपको कौन सा प्रोनाउन कहाँ लगाना है. क्लियर? सिक्स, डज knows it. Does
something is better than, क्या आएगा? Something is better than nothing. Understood? See, 6 point. Does anyone know the whole poem by heart? No one knows it. Next, something is better than nothing. 8 point. There was a pin drop silence in the room. In the room. Full stop. Dash.